Namaskar Bharat, Namaste India. So welcome back to our next video that is of Jodhpur. Jodhpur, जो कि राजस्थान की second largest city है. जोधपुर mainly जो famous है वो Sun City, Blue City के नाम से famous है. इसे Sun City भी कहा जाता है because यहाँ सूरज बहुत तेज से चमकता है. And जो main attraction है इस tourist place की that is Mehrangarh Fort. दैट इज़ लाइक मैंने उदयपुर के फोर्ट्स भी देखे, जयपुर फोर्ट्स भी देखे, बट जो मेहरानगढ़ फोर्ट है दैट इज़ नेचुरल आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, जो एज इट इज़ है जैसे पहले था. नाउ द डेस्टिनेशन फैक्ट्स अबाउट जोधपुर इज़ कि जोधपुर का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है, तो सनस्क्रीन को अपने बैग में ज़रूर पैक कर लें जब भी आप जोधपुर घूमने का प्लान बनाएं. जो मेन क्वेश्चन आता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं कि जोधपुर पहुंचा कैसे जाए, तो जोधपुर पहुंचने के लिए सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं. लाइक अगर आप एयरप्लेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पर जोधपुर एयरपोर्ट. अगर आप रेलवे लाइक आप ट्रेन प्रेफर करते हैं क्योंकि ट्रेन का भी अलग ही मज़ा है अपना, तो जोधपुर रेलवे स्टेशन बहुत नियरेस्ट है, मेहरानगढ़ फोर्ट के बहुत ही नियरेस्ट है. इवन हर एक चीज़ जो भी जैसे जो भी आप घूमेंगे जोधपुर में वो रेलवे स्टेशन के नियर बाय है. नेक्स्ट आता है बस. तो बस भी एज यूजुअल हर सिटी में इंडिया में बस स्टैंड तो होता ही है, तो जोधपुर में भी बस स्टैंड है. फर्स्ट प्लेस विच वी हैव विजिटेड एंड विच द प्लेस विच वी वुड लाइक टू रिकमेंड यू गाइस इज द मेहरानगढ़ फोर्ट. सो जोधपुर आप लोग आए तो मेहरानगढ़ फोर्ट जरूर आएंगे, क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट नॉट ओनली जोधपुर बट ऑल्सो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है. और इसकी जो हाइट है, जो वॉल्स की हाइट है, दैट इज 36 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द फोर्ट प्लेस इज 21 मीटर विच इज़ वेरी वाइड, एंड दैट इज़ द ओनली रीजन दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल. अगर आप इतनी हाइट पर जाकर 12 मंजिला कुछ हाइट है उसकी, इतनी हाइट पर जाके जब आप पूरी सिटी का व्यू देखोगे तो वहाँ पर जो पुराने ब्राह्मणों के घर बने हुए हैं दैट इज ऑल पेंटेड इन ब्लू एंड द लुक इज रियली मैग्निफिकेंट. और जब स्काई ब्लू हो तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर. सो यू गाइज वॉन्ट बिलीव इट एंड आई थिंक यू शुड नॉट जस्ट ओनली वॉच अर वीडियो बट यू शुड कम टू दिस प्लेस एंड विजिट एंड सी हाउ मैग्निफिकेंट इज दिस प्लेस एंड यू विल बी अमेज्ड विद द ब्यूटी ऑफ द मेहरानगढ़ फोर्ट एंड द होल सिटी. डेस्टिनेशन इज जसवंत खाड़ा. वैसे लोग प्रेफर करते हैं राउजोधा भी जाना, बट अगर आप 10 बजे के बाद मेहरानगढ़ फोर्ट घूमते हैं तो सेकंड डेस्टिनेशन जसवंत खाड़ा ही रखिएगा. बिकॉज जसवंत खाड़ा जो है ना बहुत पतली पतली मार्बल शीट से बना है और दिन के टाइम वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा ग्लो करता है जैसे जैसे उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं. एंड वहाँ पर फोटोज भी बहुत अच्छी आती हैं. ओल्ड सिटी ऑफ द जोधपुर दैट इज वी कॉल्ड ब्लू सिटी. तो अगर आप मेहरानगढ़ फोर्ट जाते हैं तो आपको पूरी की पूरी सिटी ब्लू नज़र आती है. तो जो जोधपुर की नई सिटी है वो इतनी ब्लू नहीं है, क्योंकि जो नया पत्थर आता है वो ब्लू कलर उसके ऊपर पेंट नहीं कर सकते. सो जो पुराने तरीके का जो एंशियंट टाइम में वो पत्थर यूज़ करते थे दैट वाज ब्लू, उसके ऊपर ब्लू पेंट इजीली अवेलेबल हो पाता था. तो पुरानी सिटी जहाँ पे ब्राह्मण लोग अभी भी रहते हैं वो पूरा का पूरा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक के बीच का एरिया काट के जो बनाया गया है वो पुरानी सिटी है, दैट इज़ ब्लू सिटी. और अगर आप लोग गाड़ी से आ रहे हैं या फिर आप लोग यहाँ आके सोचते हैं कि हम गाड़ी कर लेंगे या गाड़ी से घूम लेंगे, तो आप उस पार्ट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते. तो एटलीस्ट आपको स्कूटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भीड़ी भीड़ी सड़कें हैं. और आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई लोकल गाइड ले लो, कोई लोकल बंदा हो जो वहाँ पर जानता हो उसके बारे में कि कहाँ पर जैसे पंचाटिया हिल करके एक जगह है, वहाँ पर एक सागर भी लेक भी है. तो वहाँ से जो सिटी का व्यू आता है और जो पुराने घर हैं वो इतने सुंदर नज़र आते हैं और ऊपर जाकर ऐसे लगेगा आपको जैसे आप वेनाइस में आ गए, दूसरी कंट्री में आ गए, इटली में आ गए. तो ऐसी बहुत कंट्रीज है जहाँ पे उसका इतना सुंदर नज़ारा लगता है. तो ऑफ कोर्स यार डाइवर्सिटी है इंडिया में, अगर आप जोधपुर आओगे तो आपको पता लगेगा. सो आफ्टर ब्लू सिटी आप तीन डेस्टिनेशन रख सकते हो, जैसे कि तुर्जी का जालरा, क्लॉक टावर, रानीसर लेक. रानीसर लेक लाइक इवनिंग में देखने का मज़ा है क्योंकि आप वहाँ पे सनसेट एक्सपीरियंस कर सकते हो. एंड तुर्जी का झालरा भी आपको आफ्टरनून में देख लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सब कुछ दिन का ही व्यू है, रात में सिर्फ काला अंधेरा होता है. और शाम को जाइएगा आप क्लॉक टावर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको बहुत सारी राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज़ें मिल सकती हैं.
जोधपुर आए और रावण जी की ससुराल नहीं देखी, तो यार क्या किया आपने। आज जैसे कि आप लोगों को पता है, रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था और उसी के नाम पर है ये मंदोर गार्डन। तो मंदोर गार्डन देखने बहुत सुंदर है और जो इसके मंदिर बने हुए हैं जो भी है काफी सुंदर है, तो ये भी एक देखने लायक जगह है।